अरे बोलो रे। 20,000 रुपए नहीं दिए, उसके बाद वो मेरा जो है लोन तो निरस्त कर दिए। अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो तो मेरे बेटा बेटी हो, अरे बोलो रे, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा, क्योंकि बैंक वाले भी कई बार लोन देने में पानी पिला पिला देते हैं। अरे बोलो रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। शासन की योजनाओं को किस तरह से विभाग के लोग पलीता लगाते हैं आए दिन देखने को मिलता है। जिनके कंधों पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदारी होती है उन्हीं के द्वारा पलीता लगाया जाता है। ताजा मामला ग्राम पंचायत कटरा के बेरोजगार विजय कुमार जायसवाल पिता चित्रसेन जायसवाल निवासी कटरा थाना गढ़ जिला रीवा के साथ हो रहा है। बेरोजगार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 5,00,000 लोन के लिए आवेदन इंडियन बैंक शाखा कटरा में किया था, किंतु बैंक द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, किंतु बेरोजगार रुपए देने में असमर्थ था, जिसके कारण लोन बैंक प्रबंधन ने निरस्त कर दिया। जब बेरोजगार शाखा में पहुंचा तो शाखा प्रबंधक द्वारा उसको धमकी दी गई कि तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, जिसकी शिकायत थानागढ़ में आकर दर्ज कराई गई। एक तरफ रीवा जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं को तत्परता के साथ लागू करने के लिए संबंधित विभाग अधिकारियों को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है, किंतु जमीनी स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों द्वारा जिला प्रशासन के आदेश की अनदेखी करते हुए मनमानी कार्य कर रहे हैं। किसी भी बैंक में बेरोजगारों को लोन समय पर प्राप्त नहीं होता। बताया जाता है कि बेरोजगार कर्ज लेकर दुकान बनवा लिया है। अब दुकान बनवाने के बाद राशि न मिलने के कारण युवा बेरोजगार दर दर भटक रहा है। इस तरह से सरकार के प्रति भी बेरोजगारों का आक्रोश फैल रहा है कि केवल दिखावा है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से भरी सभा में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की बात कहते हैं, और फिर सुनाते हैं पीड़ित युवक का क्या कहना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों 1,00,000 से लेके 50,00,000 रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा। लेकिन बैंक गारंटी मांगता है, और बच्चे गारंटी कहाँ से लाएं? कई बार गारंटी नहीं मिलती तो लोन मिलता नहीं है, और इसलिए हमने तय किया है कि ये बच्चे जो लोन लेंगे इनके लोन को वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? अरे कौन लेगा? मामा लेगा। तो सरकार चिंता करेगी कि उनके लोन की गारंटी दे, और ब्याज सब्सिडी अलग से देंगे। भाव मेरे बच्चों यही है कि तुम्हारा काम धंधा शुरू होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी सारी योजनाओं को मिला के आज 3,19,000 नौजवानों को, भाई और बहनों को पूरे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत किया जा रहा है, ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके। बोलो, काम धंधा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बोलो रे, चलना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी योजनाएं, और इसलिए हमने तय किया हर महीने एक दिन होगा रोजगार दिवस, हर महीना हम कर रहे हैं। और रोजगार दिवस के लिए पहले हमारे मंत्री पूरी तैयारी करते हैं, बैंक के साथ मैं बैठक करता हूं, क्योंकि बैंक वाले भी कई बार लोन देने में पानी पिला पिला देते हैं, जूता चप्पल गिर जाते हैं। इसलिए सरकार साथ खड़ी है, हम कोशिश करते हैं क्या अधिकतम लोगों का लोन हो जाए, और उसके लिए सरकार को जो मदद करनी है वो मदद सरकार करती है। तो रोजगार दिवस मना के हम रोजगार देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम विजय जायसवाल है। पिता का नाम? श्री चित्रसेन जायसवाल। निवासी कहाँ के हैं? कटरा। ये बैंक मैनेजर सर, 5,00,000 का मैंने लोन अप्लाई किया था मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में दुकान खोलने के लिए कपड़े का। ये मैं 29/9/2022 को किया था। तो बैंक मैनेजर सर विजिट करने आए, पहले बार तो विजिट करने नहीं आए, फिर मैंने आया तो मुझसे 20,000 रुपए की मांग कर लिए। मैंने समाज सेवियों से कहा कि वो लोन विजिट करने नहीं आ रहे हैं, तो विजिट करने आए तो मैंने वो 20,000 रुपए की मांग की है। मांग करने के बाद मैंने इनको 20,000 रुपए नहीं दिए, उसके बाद वो मेरा जो है लोन तो निरस्त कर दिए। निरस्त करने के बाद अब वो क्षेत्रवासियों को द्वारा सूचना मिल रही है कि हम रिपोर्ट करने जाएंगे, धमकी दे रहे हैं। जी, मैं आज इसी की सूचना देने आया हूँ थाने में। बेरोजगार है।
बेरोजगार है जी। मैं दुकान खोलना चाहता हूँ तो बनवाया हूँ अभी छोटी सी दुकान। निरस्त मैंने इनको पैसा नहीं दिया 20,000 रुपए। ये डिमांड किए थे 20,000 की, मैंने इनको पैसा नहीं दिए।